हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम अपना कॉस्ट अकाउंटिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो चैप्टर है हमारा जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक होता है जॉब और एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए फिर करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। हमारी बुक में ये चैप्टर या तो चैप्टर नंबर 7 या चैप्टर नंबर 8, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। नाम जरूर याद रखना, जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट। बुक में यूज करता हूं महेश्वरी एंड मित्तल की, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा हमारा जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग जो है ये काइंड ऑफ कॉस्टशीट की तरह ही बनाया जाता है। कॉस्टशीट मैं चैप्टर नंबर 1 में आपको अच्छे से बता चुका हूं, उसी के फॉर्मेट पर कहीं ना कहीं इसको बनाया जाता है। सिर्फ यहां पर एक दो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट की कॉस्ट को इकट्ठा कर एक जगह लिखा जाता है और कॉस्टशीट के फॉर्म्स में उसे बना दिया जाता है, ठीक है। करूंगा तो आपको ज्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए फिर करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। और जॉब कॉस्टिंग में सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, दोनों के दोनों मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले तो जैसे हमारा फॉर्मेट बनता है कॉस्ट शीट का, वही बनाएंगे। इलस्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं 8.1 या फिर 7.1। हमारी बुक में है तो 8.1 होगा या 7.1 होगा। फॉर्मेट जो हमारा रहेगा वो काइंड ऑफ कॉस्ट शीट का रहता है। अब मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाऊंगा फिर कराऊंगा आपको। ये देखिए सबसे पहले तो यहां देखो, ये दे रखा है मुझे इलस्ट्रेशन 8.1, मटेरियल दिस फंक्शन वेजेस दिस, अलग अलग दे रखे हैं मुझे, मटेरियल दे रखा है। और यहां पे याद रखना, ऊपर पढ़ लो चाहे, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स ऑफ जय इंजीनियरिंग वर्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ जॉब नंबर 28। याद रखना जॉब नंबर 28 है, ये हम लिख भी देंगे। मटेरियल दे रखा है, वेजेस अलग अलग डिपार्टमेंट ए बी सी की अलग अलग दे रखी है, इतने इतने घंटे हम काम करते हैं डिपार्टमेंट ए बी सी में और पर आर की उसकी ये कॉस्ट दे रखी है, ठीक है। ओवरहेड दे रखा है मुझे अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, वेरिएबल ओवरहेड है डिपार्टमेंट ए बी सी का। अब यहां पर इसको ध्यान से देखना, डिपार्टमेंट ए में 4,000 रुपीज के हमारा खर्चा होता है व्हेन 4,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्कड, 4,000 घंटे काम करने पर 4,000 रुपए का खर्चा आएगा। तो एक घंटे पे कितना आएगा, 1 रुपए का। ये बात तो हमारे को अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा अच्छा है। सेकेंड डिपार्टमेंट बी में 1500 डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्कड करने पर 3,000 रुपए का खर्चा आएगा, 1500 पर 3,000 का खर्चा आएगा। तो एक पर कितना है, 2 रुपए का। डिपार्टमेंट सी में भी 500 आवर्स काम करने पर 1,000 का खर्चा आएगा या एक्सपेंसेस होंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 रुपए के अकॉर्डिंग। और हमने एक्चुअल कितने घंटे काम किया है, 60, 40 और 20, तो यहाँ पर आवर का खर्चे को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे को वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा। लिख के कराऊंगा तो और थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। फिक्स्ड ओवरहेड दे रखा है एस्टिमेटेड एट 10,000 रुपीज फॉर 10,000 नॉर्मल वर्किंग आवर्स। जो हमारे फिक्स्ड ओवरहेड है उसके अंदर 10,000 रुपए का खर्चा होगा जब हमारे 10,000 वर्किंग आवर्स काम करेंगे। तो एक आवर्स पे कितना हुआ, 1 रुपीज। और एक्चुअली कितने घंटे काम किया है हमने, 60, 40 और 20, मतलब 120 आवर्स काम किया है। तो 120 ही हो जाएगा एक के अकॉर्डिंग। लिख के करने पर ज्यादा जल्दी क्लियर होगा। यू आर रिक्वायर टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 28 एंड कैलकुलेट प्राइस टू बी चार्ज सो एज टू गिव प्रॉफिट।
ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस, याद रखना 20% ऑन सेलिंग प्राइस। तो इसका एक ट्रीटमेंट है, एक वर्किंग नोट बनेगा, वो मैं आपको लिख के बताऊंगा। ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन है जॉब का। और देखिए, जैसे मैंने बताया, कुछ बच्चों की बुक में ये चैप्टर नंबर 8 था और कुछ बच्चों की बुक में चैप्टर नंबर 7। तो मैं आपको दिखा देता हूं, सेम क्वेश्चन ये 7 में भी है। तो इलस्ट्रेशन 7.1, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं ताकि आप कल को कंफ्यूज मत होना कि सर हमारी बुक में तो चैप्टर नंबर 7 है और किसी की बुक में चैप्टर नंबर 8 है। तो इसीलिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन सेम है, सब कुछ सेम है। देखिए, हम इसको लिखते हैं यहां पर, सबसे पहले तो कॉस्ट शीट, हम इसे लिखेंगे कॉस्ट शीट, और यहां पे आप लिख दो जॉब नंबर 28, क्योंकि मेंशन है इसलिए लिख देते हैं, वरना कोई बात नहीं थी। पर्टिकुलर्स और रुपीज या फिर अमाउंट, जैसे हमने सीखा है, सबसे पहले कॉस्ट शीट के अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, इसमें ओपनिंग क्लोजिंग है नहीं, तो सीधा मटेरियल से ही स्टार्ट कर देते हैं। और मटेरियल कितने का गिवन है मुझे, मटेरियल गिवन है 3450 का। आपको मैं एक बार यहां पे दिखा रहा हूं, मटेरियल गिवन है ये वाला। वेजेस के अलग अलग रेट हैं, इसमें हम ऐड कर देंगे वेजेस, और हम अपने वेजेस को बोलते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, याद आया। वहां पर एक ए बी सी तीनों के अलग अलग दे रखे हैं, और यहां पर डिपार्टमेंट वाइज दे रखे, तो डिपार्टमेंट ए बी सी भी कर दिया हमने, ठीक है। कितना कितना दे रखा है यहां पर ध्यान से देखेंगे, मुझे दे रखा है डिपार्टमेंट ए बी सी के अकॉर्डिंग, यहां देखिए 60, 40 and 20 एट द रेट ऑफ 3-4। तो यहां लिखेंगे 60, 40 and 20 एट द रेट ऑफ 3-2 and 4, ये हमारे पास आ जाएगा। तो कितना हो गया, 180, 80 and 80, टोटल मिलाकर ये आ गया 340। इसको ऐड कर दिया तो आ गया 0973, और इसको हम लिख देंगे अपना प्राइम कॉस्ट, इसको लिख देंगे हम अपना प्राइम कॉस्ट। इसमें हम ऐड कर देते हैं अब प्राइम कॉस्ट के बाद, वैसे तो कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में फैक्ट्री ओवरहेड आता है, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं दे रखा, यहां दे रखा है वेरिएबल एक्सपेंसेस के नाम से, वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो हम वेरिएबल एक्सपेंसेस के नाम से ही ऐड कर देते हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट का दे रखा है, डिपार्टमेंट ए बी और सी, तो मैं भी अलग अलग डिपार्टमेंट के नाम से ही शो कर देता हूं। अब यहां पे समझना है मुझे, यहां पर एक बार देखिए अच्छे से देखेंगे, वेरिएबल में डिपार्टमेंट ए क्या कहता है, 4000 रुपीज का बिल आएगा व्हेन 4000 डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्क करते हैं हम लोग, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ए के अंदर 4000 रुपीज का खर्चा आता है जब हमारे 4000 घंटे काम करते हैं, और मैंने ए डिपार्टमेंट में कितना काम किया है, 60 आवर्स, ऐसे डिपार्टमेंट बी में 1500 आवर्स के 3000, तो 2 रुपए यहाँ पर हो गया, 1 रुपए यहाँ हो गया, और सी डिपार्टमेंट में 500 आवर्स के 1000 रुपीज, तो 2 रुपीज यहाँ हो जाएगा। आवर्स यहाँ से लेंगे, पर जो आवर्स का खर्चा है वो यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो आवर्स तो हमने यही ले लिए, ये वाले 60, 40 and 20 इनटू में पर आर का खर्चा, फर्स्ट का 1 था, फिर 2 था और फिर 2 था, क्योंकि 4000 पर 4000 तो 1 आ गया, और 3000 पर 3000 रुपए खर्चा आता है 1500 आर्स पर, तो 2 हो जाएगा, तो ये आ गया 80 और ये आ गया 40, तो टोटल आ जाएगा 180, ठीक है। बस इसको हम यहां पे ऐड कर देंगे, तो कैलकुलेटर हमारे पास है ही,
तो ये आ गया 3970, 3970। इसमें हम लास्ट अपना ऐड कर देते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस को, फिक्स्ड एक्सपेंसेस को यहां पर हम ऐड कर देते हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने हैं अगर हम बात करें तो वो यहां पर देखना पड़ेगा। एस्टिमेटेड दे रखा है मुझे 10,000 रुपीज का, व्हेन 10,000 नॉर्मली वर्किंग आवर्स, तो एक यूनिट पर 1 रुपए का आया और मैंने टोटल कितने घंटे काम किया वो यहां पे आप देख सकते हैं, ये रहे मेरे टोटल आवर्स। तो ये हो जाएगा 60 + 40 + 20, मैंने तीनों डिपार्टमेंट में मिलाकर इतने घंटे काम किया, मतलब इतने आवर्स, और इनटू में 1 रुपए के अकॉर्डिंग आ गया क्योंकि 10,000 रुपए का खर्चा आएगा व्हेन 10,000 वर्किंग आवर्स वर्कड। ठीक है, तो 120 का ये आ गया, इसमें प्लस कर दिया 120 तो कितना आ गया 4090, 4090। इसको बोल देते हैं हम अपना कॉस्ट ऑफ सेल, जिसको हम टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं, जिसको हम अपना टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और सेल हमें निकालनी है यहां से, इवन प्रॉफिट भी निकालना है, तो प्रॉफिट हो जाएगा मेरा बैलेंसिंग फिगर, ये हमारे यहां पर क्लोज हो जाएगा। और प्रॉफिट के लिए बोला गया है कि टोटल कॉस्ट याद रखना 4090, प्रॉफिट के लिए बोला गया है 20% ऑफ सेल, और सेल मुझे गिवन नहीं है, तो इसके लिए हमें एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। मैं आपको यहां पर इसका वर्किंग नोट बना के दिखा देता हूं, मैं यहां पर इसका वर्किंग नोट बना के दिखा देता हूं, आप देख सकते हैं, यहां पे दिखा देते हैं मैंने क्या किया, लेट कर लिया, लेट सेल इज माय एक्स, अगर सेल मेरा एक्स हो गया तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा एक्स का 20%, और एक्स का 20% का मतलब हो गया एक्स बाय 5, कटके 5 आ जाएगा। ठीक है, और ये बात हम हमेशा जानते हैं या हमें पता है कि सेल का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यही होता है। सेल मैंने एक्स एज्यूम की है, कॉस्ट मेरा 4090 हमें टोटल निकाली लिया और प्रॉफिट आ गया एक्स बाय 5। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये फंक्शन इधर से इधर चला जाएगा, तो x माइनस एक्स बाय 5 इज इक्वल टू 4090, तो ये हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तो 5 एलसीएम आ गया, इसको इससे क्या, तो 5x, इसको इससे क्या, माइनस का x इज इक्वल टू 4090, तो यहां बच जाएगा 4x बाय 5 इज इक्वल टू 4090, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 4090 डिवाइडेड बाय 4 और इनटू में 5, ये 5 ऊपर और ये 4 नीचे, तो x कितना आ जाएगा, वो यहां पे आ जाएगा, और x ही मेरे क्या है, x ही मेरी सेल है। आप देखेंगे यहां पर 4090 इनटू में 5 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया 5112.5, 5112.5, ये मेरा आंसर आ गया, ये क्या आ गया, सेल आ गई। ठीक है, यहां पर इसे लिख देंगे, अब हम सेल हो जाएगी 5112.5, और इसमें से अगर मैं माइनस कर देता हूं -4090 तो कितना आ गया 1022.5, ये आ गया मेरा प्रॉफिट। यहां पे लिख देते हैं हम इसको, प्रॉफिट कितना आ जाएगा 1022.5, और ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा इसी के साथ खत्म होता है। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, काइंड ऑफ कॉस्टशीट की तरह ही होता है, सिर्फ हमें अलग अलग डिपार्टमेंट को देखना होता है कि मेरा किस डिपार्टमेंट में कितना कितना खर्चा हो रहा है, कितने रुपीज के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया है, एक क्वेश्चन और करा देते हैं क्योंकि इसमें दो ही क्वेश्चन है और दोनों के दोनों मैं ही करा देता हूं।
देखिए, अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, इसकी लैंग्वेज थोड़ी अच्छी है तो वो देखेंगे। अ वर्क ऑर्डर फॉर 200 यूनिट्स ऑफ अ कॉमोडिटी हैज टू पासिस थ्रू फोर डिफरेंट मशीन्स, ऑफ विच द मशीन फोर रे मशीन आर रेट्स आर, मशीन वन का दे रखा है 1.25, मशीन टू का दे रखा है 2.25, मशीन थ्री का दे रखा है 3, एंड मशीन फोर का दे रखा है 2.25। द फॉलोइंग एक्सपेंसिस हैज बीन इनकर्ड ऑन दी वर्क्स ऑर्डर, क्या दे रखा है हम देखिए, अगर यहाँ पर मटेरियल दे रखा है 8,000 का, वेजेस 500 की, मशीन नंबर वन हैज बीन एंगेज फॉर 200 आवर्स, मशीन टू 160 आवर्स, मशीन थ्री 240 आवर्स, एंड मशीन फोर 132 आवर्स। आफ्टर द वर्क ऑर्डर हैज बीन कंप्लीटेड, मेटीरियल वर्थ ₹400 आर फाउंड टू बी सरप्लस, मतलब मैंने 8,000 रुपये का मेटीरियल यहां पर मैंने 8,000 रुपये का मेटीरियल लिया था, इसमें से 400 रुपये का जो मेटीरियल है वो बच गया है और उसको रिटर्न कर दिया है स्टोर को। 8,000 का मैंने इंट्रोड्यूस किया था, उसमें से 400 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक बच गया है, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटीरियल हो गया। ऑफिस ओवरहेड यूज टू बी 40% ऑफ वर्क कॉस्ट, जो भी मेरा वर्क कॉस्ट आएगा उसका 40% जो है वो ऑफिस ओवरहेड है, ठीक है, बट ऑन अकाउंट ऑफ ऑल राउंड राइज इन द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल देयर हैज बीन 50% राइज इन ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंडिचर। इस लाइन को जरा ध्यान से एक बार समझो, उसने बोला है ऑफिस ओवरहेड जो है वो मेरे 40% है वर्क कॉस्ट के, ठीक है, कॉस्ट शीट में हम वर्क कॉस्ट निकालेंगे, उसका 40% जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, ऑफिस का खर्चा हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ बट ऑन अकाउंट ऑफ ऑल राउंड राइज इन कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल देयर वॉज बींग अ 50% राइज इन ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंडिचर, इसके साथ साथ जो मेरा सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो खर्चा है वो कितना बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा 50%। तो किसका, 40% का, 40 का 50% बढ़ जाएगा, ठीक है। मोर ओवर इट इज नोन दैट 10% ऑफ द प्रोडक्शन विल हैव टू स्क्रैप्ड एज नॉट बीइंग अप टू द स्पेसिफिकेशन एंड द सेल्स प्रोसीड ऑफ द स्क्रैप आउटपुट विल बी ओनली 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल, मतलब जितना मेरा स्क्रैप स्क्रैप आएगा 10%, लेकिन वो जो स्क्रैप बेका जाएगा, जो सेल आउट किया जाएगा, वो उस 10% का 5% वैल्यू जितना ही सेल आउट किया जाएगा। ये लाइन मैं लिख के कराऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है। इफ द मैन्युफैक्चरर्स वांट्स टू मेक 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट का सिंपल पॉइंट है, हमने वही कॉस्ट शीट बनानी है जैसे हम बनाते हैं। ये है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 8.2 या फिर 7.2, ठीक है। ये हमने अपनी एक कॉस्ट शीट ड्रॉ कर ली है, इसे आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट या टोटल कॉस्ट, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट शीट भी कह सकते हैं। एज पर दी कॉस्ट शीट फॉर्मेट, इसको मैं कॉस्ट शीट के पूरे फॉर्मेट से करूंगा क्योंकि यहां पर सारे के सारे खर्चे मुझे अलग अलग गिवन है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ
रॉ मटेरियल, आर डॉट एम का मतलब है रॉ मटेरियल, जो क्वेश्चन में नहीं गिवन, इसमें हम प्लस कर देंगे मटेरियल, जिसे आप परचेज भी लिखते थे या लिखते हैं, और वो दे रखा है 8,000 रुपये। इसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और यहां पर ये 400 का गिवन है, तो ये माइनस होने के बाद आ गया 7600। ये आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे डायरेक्ट वेजेस, और डायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन में हमें गिवन है 500 रुपीज की, तो ये आ गया 8100, और इसको बोल देंगे हम अपनी प्राइम कॉस्ट। ये आ गया मेरे पास प्राइम कॉस्ट। यहां तक आप देख सकते हैं ये 8000 है, ये क्लोजिंग स्टॉक बच गया है ये वाला, और 500 का वेजेस प्राइम कॉस्ट आ गई। इसके बाद एज पर द क्वेश्चन हम क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड का कैसे करेंगे ट्रीटमेंट, जरा वो देखेंगे। यहां पर हमें दे रखा है फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर कि मेरे पास मशीन जो है वो 200 आवर्स 1, 160 आवर्स 2, 240 आवर्स 3 एंड 132 आवर्स 4, इतने मशीन काम करती है। और मशीन कहाँ काम करती है, ये बात हमें पता ही है कि मशीन काम करती है फैक्ट्री में। तो यहां लिख लेते हैं मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 एंड मशीन 4। मशीन ए ने काम किया है 200 आवर्स, ये हम यहां से देख लेते हैं 200 आवर्स मशीन ए ने काम किया है, 160 आवर्स मशीन बी ने काम किया है, 240 आवर्स मशीन सी ने काम किया है एंड 132 आवर्स मशीन फोर ने काम किया है। इन टू में किस रेट के अकॉर्डिंग किया है वो अब हमें देखना है, वो ऊपर सबसे ऊपर गिवन था क्वेश्चन में। मशीन ए करती है 1.25, मशीन टू करती है 2.5, मशीन थ्री 3 के अकॉर्डिंग, मशीन फोर 2.25 के अकॉर्डिंग। तो यही रेट लिख लेते हैं हम 1.25, 2.5, 3 एंड 2.25, इसके अकॉर्डिंग मेरी मशीन काम करती है। कैलकुलेटर हमारे पास आई तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस सीधा सीधा इसको लिखना है 200 × 2, 1.25, तो ये आ गया 250। पहला वाला आ गया 250, फिर 160 × 2.5 के अकॉर्डिंग आ गया 400, और ये आ गया 720, और लास्ट है 132 × 2.25, तो आ गया 297 का ये हो गया। इन चारों को ऐड कर देंगे, क्या क्या है, दिस प्लस 250 प्लस 400 प्लस 720, तो आ गया 1667, तो ये आ जाएगा 1667, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसमें इसे ऐड कर देंगे प्लस 8100, तो ये आ गया 9767, ये मेरे पास आ गई। आप इसे ग्रॉस या फिर नेट वर्क कॉस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दे रखा, इसीलिए यही ग्रॉस हो जाएगा और यही नेट हो जाएगा। इसके बाद अब देखते हैं हम लोग अपना ऐड कर देंगे ऑफिस ओवरहेड। अगर हम बात करते हैं ऑफिस ओवरहेड की, अब ऑफिस ओवरहेड में क्या दे रखा है, उसमें तो सीधा सीधा दे रखा है, यहां पर देखेंगे अगर हम, ऑफिस ओवरहेड यूज्ड टू बी 40% ऑफ वर्क कॉस्ट। ऑफिस तो 40% है, बट ऑन अकाउंट ऑफ ऑल राउंड राइज इन द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल देयर वाज अ 50% राइज इन ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंडिचर। जो मेरा ऑफिस
एक्सपेंडिचर है, मतलब जो अभी हम निकालेंगे उसका 40% निकालेंगे, और जो आएगा उसका 50% और इनकर्ड होता है इन्हीं सब प्रोसेस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, सेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहां पर हम निकालते हैं इसका, ये जो है ना वर्क कॉस्ट का 9767 का 40% निकाला मैंने, उसको यहां लिख दो इंटू 40%, वो आ गया 3906.8 है, तो 7 कर देता हूं, कोई बात नहीं, 3907 कर दिया, और इसमें प्लस कर दिया इसी का 50%, तो 3907 का 50% और इसमें ऐड कर दिया। उसने बोला था क्वेश्चन में हमें कि जो भी हमारा वर्क कॉस्ट है, ये जो वर्क कॉस्ट है, इस वर्क कॉस्ट का 40% जो है ये मेरा आएगा ऑफिस, और जो ऑफिस का आएगा, ऑफिस का आ गया ये, इसका 50% और खर्चा होगा डिस्ट्रीब्यूशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में। वैसे तो डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पार्ट ऑफ सेलिंग, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी गिवन है तो वो ऑफिस में है, तो हमने यहीं पे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका, इसी का 50% निकाला, ठीक है, क्योंकि दे रखा है एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिर्फ सेल दे रखा होता तो मैं एक नया हेड बना देता, यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन भी गिवन है तो मैं यहां पर भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे। इसका 50% निकाल के इसमें ऐड कर दूंगा तो यहां पर खर्चा आ जाएगा, देखिए प्लस 0.2 कर दो, ये आ गया, ये इसका इंटू 50% ये आ गया, और प्लस इक्वल टू कर दूंगा तो ये आ जाएगा 5860.5। अब क्वेश्चन में देखो आपको कितना दे रखा है, देखिए आपको मैं दिखा देता हूं, क्योंकि पहले वाला 0.2 कम था तो ये भी थोड़ा सा कम हो जाता, तो कोई बात नहीं, उन्होंने 5860.5 को 60 पे ही खत्म कर दिया, ठीक है, तो हम भी यही लिख लेते हैं, 5860 लिख लेते हैं, ठीक है, लिखने का तरीका समझ में आ गया, राउंड ऑफ किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ जाएगा मेरा सीधा कॉस्ट ऑफ सेल, तो ये है 9767 प्लस 5860, तो ये आ गया 15627, 15627। अब इसमें से हम एक काम करेंगे, इसमें से हम एक काम करते हैं, इसमें से लेस कर देते हैं पहले स्क्रैप, यहां पे देखिए क्वेश्चन में मैं आपको दिखाता हूं, पहले देखिए ये दे रखा है स्क्रैप है 10%, लेकिन उसको रियलाइज किया जाता है 5% में, तो जो भी मेरा टोटल कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट ऑफ सेल है, इस कॉस्ट ऑफ सेल का 5% स्क्रैप चला जाता है, ठीक है, तो यहां पे हम यही लिखते हैं, लेस कर देते हैं स्क्रैप्ड, ये है मेरे पास स्क्रैप चली गई इसका 5% कॉस्ट ऑफ सेल का, तो 15627 का 5%, ये हमारा लेस हो जाएगा इसमें से, क्योंकि इतना पैसा मुझे मिलेगा, याद रखना, इंटू 5%, तो ये आ गया 15627 इंटू 5%, ये दे रखा है, एक मिनट यहां पे दोबारा देखना पड़ेगा, Moreover, it is known that 10% of the production will be scrapped as not being up to specification and the sales process of the scrap output will be only 5% of the cost of sale. ठीक है, मतलब क्या है, इसका इसका पहले तो यहां पर हमें इसको एक कट करते हैं, यहां पे ध्यान से देखेंगे 15627 का पहले तो 10% निकाला, और उस 10% का भी 5% वैल्यू पर स्क्रैप हुई, यहां पे ध्यान से सुनना ये वाला जो पॉइंट, मेरी जो भी कॉस्ट ऑफ सेल है, ये मेरी कॉस्ट ऑफ सेल है, इस कॉस्ट ऑफ सेल का 10% निकाला मैंने, पहले तो यहां देखो 627 ये वैल्यू है, इनटू में
10% मैंने निकाला तो इतना हो गया। इस वैल्यू का 5% जितने वैल्यू पे उसकी सेल हो गई इंटू 5% तो आ गया 78, तो ये आ जाएगा 78, इतना पैसा मुझे मिलेगा इसका 5%। मैंने अभी पीछे क्या कर दिया था, इसी का 5% कर दिया था, वो बाय मिस्टेक था। इसका 10% का 5% जितना सेल हुआ है विच इज 78, क्लियर हो गया। इसमें से माइनस कर देंगे 15627 माइनस 78 तो आ गया 11549, कितना आ जाएगा 15549, और इसको बोल देंगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सेल, जिसे आपकी ये टोटल कॉस्ट भी कहेंगे, ठीक है। और प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, प्रॉफिट दे रखा है इसका 20%, कॉस्ट का 20%, तो 15549 का 20% दे रखा है प्रॉफिट, इसका 20% निकाल दो इंटू 20%, तो ये आ गया 13109.8 है तो 10 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3110 और प्लस इक्वल टू, तो सेल आ गई मेरे पास 18659, ये मेरे पास आंसर आ गया, ये मेरे पास आंसर आ गया। तो ये जो टॉपिक था हमारा, ये टॉपिक था पूरा का पूरा हमारा जो टॉपिक था, ये था जॉब कॉस्टिंग का। जॉब कॉस्टिंग में सिर्फ दो ही क्वेश्चन दे रखे हैं, आपने ये दोनों ही करने हैं, ठीक है। कुछ इसके आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, जो 10 ईयर्स या पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन आप सिर्फ वही करेंगे और ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद अब हम सीधा जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे अपना कॉन्ट्रैक्ट का, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के साथ।